पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार में हम लोग विचार कर रहे हैं अध्यारोप उपवाद न्याय के ऊपर। इस न्याय का एक निरूपणीय भाग है अध्यारोप। वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय परब्रह्म, अवस्तु है अज्ञान, अज्ञान प्रयुक्त सारा प्रपंच, अज्ञान का कार्य, अज्ञान उपहित, ये सब है अज्ञान प्रयुक्त है, माइक दृश्य है जिसको मांडुक्य में कहा गया माया मात्रम इदम द्वैतम, उसका आरोप हुआ है। ये तो वायु मानी भूतें न जानते, ये न जाता न जीवंती, इससे अध्यारोप है कहा गया। फिर जब विचार किया जाता है दृश्यत्व न सकल दृश्य मिथ्या है, दृश्य होने से मिथ्या है, इसलिए बीमतम मिथ्या दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् सुक्ति रजतवत् रज्जु सर्पवत्। तो फिर अपवाद होता है, तो अपवाद है यही है अध्यस्त पदार्थ स्व अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसा निश्चय को बोलते हैं अपवाद। जैसे कह दिया रज्जु का विवर्त सर्प, सर्प रज्जु मात्र है, तो इस सर्प का अपवाद हुआ। इसी प्रकार सारा प्रपंच को लेना है, इसलिए कार्यस्य कारणमात्र अवशेषणम अपवाद, ऐसा भी कहते हैं अपवाद। ये तो कार्य में तो घटेगा, लेकिन जो कार्य नहीं है उसमें घटेगा नहीं, है ना? तो नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, जो अज्ञान का परिणाम है, उसमें तो घट जाएगा, लेकिन जो ईश्वर है, जीव है, ये अज्ञान का कार्य नहीं है, है ना? वो तो कार्य ही नहीं है। तो कार्यस्य कारण मात्र अवशेषणम अपवाद, ये तो होगा नहीं। इसलिए यही कहना है
अध्यस्त पदार्थ स्व अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, है ना। अध्यस्त अधिष्ठानम एव, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान मात्रम एव इति निश्चय करो, है ना। शर्मा जी समझ में आया, क्योंकि अध्यस्त कहने से अज्ञान भी अध्यस्त है, अज्ञान उपहित चेतन वो भी अध्यस्त है, और अज्ञान का कार्य भी आ गया सब। और ये जो है प्रपंच अज्ञान त्रिगुणात्मक का परिणाम है, अब ब्रह्म का विवर्त है। एक परिणाम कार्य होता है, विवर्त कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर लक्षण दिया, सतत्वतो न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित, क्योंकि उदारित ये पाठ है, उदीरित भी चलेगा, उदीरित और अच्छा है। ईरगतो धातु होता है, ईरगतो तो प्रत्यय करने पर निष्ठा को ईट आगम करने पर बनेगा उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है ईरगतो धातु, तो प्रत्यय करने पर बनेगा उदीरित, है ना। ईट तो नहीं है आगम, सीधा तो प्रत्यय करो, ईरदा ईरित है, ईट आगम है, ईर धातु है त प्रत्यय है, त को ईट आगम करो, उत उपसर्ग है पूर्व में, तो बन जाएगा उदीरित मतलब कथित, विद्वद भी कथित निर्णित। ये लक्षण किया, पहला देखो परिणाम का लक्षण, सतत्व तो कहा, पहले परिणाम को बता रहा, जैसे दुग्ध का दही, दुग्ध बनाते हो ना, हाँ, तो जमा देते हैं, जमाने के बाद जो दही बन जाता है, तो दही जब बन गया तो दुग्ध अंश रहा, चाय बनाएंगे किसी ने कहा चाय बनाओ, दूध रखा है, लेकिन उनको पता नहीं कि दही बन गया, हाँ तो जाकर चाय बनेगा, नहीं नहीं पहले दूध तो था, अब दूध कहाँ है, हाँ दूध रहा नहीं, दूध का स्वरूप नहीं रहता है, ये यहाँ पर परिणाम होता है। इसलिए दुग्ध का जो वास्तविक स्वरूप है दुग्धत्व, उसका परित्याग हो गया, और रूपांतर का ग्रहण, रूपांतर का ग्रहण हो गया, रूपांतर हो गया, उसको कहा जाएगा परिणाम, दुग्ध का परिणाम दधि, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं देखो तो सतत्व तो वो कौन था, माया थी, और अन्य प्रकार से जगत हो गया, इसको कहते हैं परिणाम। इसका दूसरा अर्थ भी करते हैं, जो तात्विक होकर के अन्य रूप से भासे, तात्विक होकर के जो अन्य रूप से भासे उसको भी कहते हैं परिणाम, है ना। जैसे माया, माया से जगत हो गया, माया भी तात्विक है व्यवहारिक, और प्रपंच भी क्या है व्यवहारिक, जो कारण है तात्विक होकर के व्यवहारिक होकर के, पारमार्थिक तो नहीं है माया, अन्य रूप से भासता हो, जब तक अधिष्ठान परब्रह्म का ज्ञान नहीं है तब तक माया की निवृत्ति नहीं होती है, समझ में कि नहीं। दुग्ध से तो हो गया, है ना, दुग्ध अपने स्वरूप को छोड़ दिया, अन्य रूप से हो गया, जिसमें दही बन गई उसमें दुग्ध अंश है नहीं है, है ना। तो वो जो लक्षण करते हैं वो ठीक नहीं बनता है, इसलिए वेदांत परिभाषा में लक्षण करते हैं, वो लक्षण बढ़िया है, उपादान समसत्ता को कार्यापत्ति ही परिणाम, वो लक्षण ठीक बढ़ता है। उपादान लिख लीजिए, उपादान समसत्ता को कार्यापत्ति ही,
ये लक्षण परिणाम का ठीक है। उपादान समसत्ता को कार्यापत्ति ही ये परिणाम का लक्षण हुआ। जो कार्य जिस उपादान से बन रहा है, जिस उपादान से बन रहा है ना, जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी रहेगी कि नष्ट हो जाएगी? नहीं, मिट्टी तो रहेगी। तो मिट्टी अन्य रूप से भास रही है, घट के रूप से भास रही है। जिसमें घट के रूप से भास रहे उसमें मिट्टी भी है, घड़ा भी है, दोनों है कि नहीं? मिट्टी भी व्यवहारिक है और घट भी क्या है? व्यवहारिक है। सुनते हो ना? तो इसलिए मिट्टी व्यवहारिक, उपादान समसत्ता, उपादान की जो सत्ता है कार्य की, यदि वही सत्ता रहे उस कार्य को कहा जाएगा उपादान का परिणाम। समझ में आ गया? जो कार्य स्व उपादान की समान सत्ता वाला हो उस कार्य को कहा जाएगा उपादान का परिणाम। हो गया? जैसे मृत्तिका का क्या घट, तंतु का पट, तंतु भी व्यावहारिक है, पट भी व्यावहारिक है, मृत्तिका ये व्यावहारिक है, घट भी व्यावहारिक है, ठीक है। इसी प्रकार माया से जगत, तो माया से जगत बनता है तो माया रहेगी कि नहीं? रहेगी ना। और अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं तो माया रहेगी। इसलिए माया भी व्यावहारिक है और जगत भी क्या है? व्यावहारिक है। तीन सत्ता यदि माना जाए तो पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। तो तीन सत्ता मानते हो हाँ, तो ये हो जाएगा। ये सर्प वगैरह जो है ये सब प्रातिभाषिक है, और घटपटादि जो है ये सब है व्यावहारिक। ये घटपटादि जितने भी है माया का परिणाम है। माया व्यावहारिक है, घटपटादि भी क्या है? व्यावहारिक। यदि प्रातिभाषिक मानते हो पर ब्रह्म हो गया पारमार्थिक सत, तद अतिरिक्त सर्व कुछ क्या है? प्रातिभाषिक। ऐसा यदि मानेंगे तो माया प्रातिभाषिक है, जगत भी हो गया प्रातिभाषिक, तो समान सत्ता हो गई। और विवर्त तो होता है अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरित, ये दिया है यहाँ पर देखो। जो तात्विक न हो करके अन्य रूप से जो भाषे, अन्य रूप से जो भाषे, जैसे हो गया रज्जु का सर्प, सर्प तात्विक नहीं है, घट तो तात्विक है, व्यवहारिक है, बराबर है। और सर्प आदि ये सब क्या है? मिथ्या है, व्यवहारिक। ये क्या बोलते, प्रातिभाषिक है। जो प्रातिभाषिक होकर के अन्य रूप से भास रहा है सर्प, इसमें सर्प भास रहा है उसमें रज्जु भी रहेगी, तो सर्प हो गया रज्जु का विवर्त, ठीक है। और वेदांत परिभाषाकार आचार्य राजा ध्वरिंद्र वो कहते हैं उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही विवर्त, ये विवर्त है। उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही विवर्त, जो कार्य स्व उपादान की विषम सत्ता वाला हो, जो कार्य स्व उपादान की विषम सत्ता वाला हो, भिन्न सत्ता वाला हो, है ना, उस कार्य को अपने उपादान का विवर्त कहा जाएगा, विवर्त कहा जाएगा, है ना। जैसे सर्प रज्जु का विवर्त है, रज्जु व्यावहारिक है,
और सर्प हो गया प्रातिभाषिक। सर्प स्व उपादान, सर्प का उपादान है रज्जु, रज्जु की सत्ता है व्यवहारिक और उसकी भिन्न सत्ता किसकी हो गई, सर्प की हो गई। ये सर्प रज्जु का विवर्त समझाने के लिए है। और सिद्धांत के अनुसार तो रज्जु अवच्छिन्न चेतन का विवर्त है, रज्जु अवच्छिन्न जो चेतन है उसी का सर्प विवर्त होता है। ठीक है, इसलिए जब दृष्टांत में लेंगे ये सारा जो कार्य है नाम रूपात्मक ये ब्रह्म का विवर्त होगा, ब्रह्म का विवर्त। इसलिए ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है और ये जो प्रपंच है चाहे प्रातिभाषिक मान लो चाहे व्यवहारिक मान लो, जगत को चाहे प्रातिभाषिक मानो चाहे व्यवहारिक मानो, ये सब के सब जो है ब्रह्म का विवर्त हो गया, तो भिन्न सत्ता हो गई ना, इसलिए ब्रह्म का ये जगत विवर्त है। तथा ही ये प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है, विवर्त होने से ये मिथ्या है, समस्त प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है मिथ्या है, इसलिए जगत का बाद होगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, फिर दोनों में बाद समानाधिकरण तब होगा, है ना। इदम त्वेन सकल दृश्य विवर्त कार्य, है ना, इसके साथ ब्रह्म का समानाधिकरण्य बात समानाधिकरण तब होगा ये जगत यदि मिथ्या हो तो, समझ में आएगी नहीं। इसलिए सर्प रज्जुरेव तक दोनों में बात समानाधिकरण हुआ, जिसको तुम सर्प समझ रहे थे भ्रांति काल में उसको बोल दिया रज्जु हो, सर्प रज्जु हो, तो सर्प रज्जु कैसे होगी। तो भ्रांति का जो विषय है सर्प उसका जो बाद हो जाता है तो रज्जु रहेगी, रज्जु का बात तो हुआ नहीं व्यवहार में, समझ में ना। लेकिन दोनों में क्या रहेगा, सामानाधिकरण्य, इसको बोलते हैं बाध सामानाधिकरण्य, कौन सा, हाँ अब आएगा सब बताएंगे, इसको कहा जाएगा बाध सामानाधिकरण्य। बाध सामानाधिकरण्य तब होगा सर्प का जो अर्थ है, सर्प का विषय, सर्प शब्द का जो विषय है भ्रांति का विषय वो मिथ्या है, इसलिए इस प्रकार सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ईशावास इदम सर्वम, है ना, इसलिए बाध हो जाता है, नहीं तो श्रुति की असंगति हो जाएगी मिथ्या यदि न हो तो। इसीलिए ये सबका बाद हो जाता है, अधिष्ठान ब्रह्म ही शेष रहता है, उसके साक्षात्कार से ज्ञान से संशय विपर्य रहित साक्षात्कारात्मक ज्ञान से मोक्ष संभव है, है ना, नहीं तो ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है। तथा ही देखो पंक्ति में, एतद् भोगायतनम् चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम्, तीन शरीर है वेदांत सिद्धांत में, तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो ये स्थूल शरीर इसको कहते हैं भोगायतनम्। देखो एतद् भोगायतनम्, जिससे जिस अवच्छेद से अविद्या के कारण आत्मा में सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार रूपी भोग हो रहा है ना, उस अवच्छेदक को, है ना, कहते हैं शरीर, है ना। यत अवच्छेदेना आत्मनि सुखो दुख जायते तत् अवच्छेदकम शरीरम, नैयायिक लोग लक्षण करते हैं ना, ये शरीर है, तो ये भोगायतन, ये भोग का आयतन, आयतन मतलब आश्रय, जिसमें रहता है, इसके बिना ये भोग नहीं हो सकता आत्मा को,
है ना, अविद्या से चतुर्विध सकल स्थूल शरीर, पहले का चार प्रकार का ये स्थूल शरीर है, ये तो याद है आप लोगों को क्या क्या है, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज और क्या है अंडज, ये चार प्रकार का स्थूल शरीर जातम मतलब समुदाय, भोग्य रूप अन्न पानादिकम, इसको अपवाद किया जा रहा है ना, अपवाद, ये दृश्यमान जो जगत है जिसमें भास रहा है उससे भिन्न नहीं है, आया समझ में, हाँ, जिस सत्ता से भास रहा है, जिस सत्ता से सत्तावान है उस सत्ता से ये अध्यस्त पदार्थ भिन्न नहीं है, ये विचार करना है, ठीक है, ये मनन है, ठीक है, जो वस्तु जिस सत अंश से सत अंश में है कल्पित है उस सद वस्तु से वो कल्पित वस्तु भिन्न नहीं है, यथा सर्प रज्जु से, आए समझ में ना, हाँ जैसे हाँ अयम सर्प ये सर्प है तो सर्प की सत्ता से बज रहा है रज्जु से, इसलिए रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, ये प्रातिभाषिक में समझ में आया ना, इस वक्त व्यवहारिक में भी लेना है, रज्जु है बोलते कि नहीं, हाँ तो है के तादात्म्य को प्राप्त करके रज्जु है, ये तो रज्जु कैसे रहेगी, ठीक है, इसलिए है अंश से रज्जुर अस्ति, अस्ति अंश से रज्जु भिन्न नहीं है, ये हो गया मनन, समझ में ना, इसी प्रकार सारा व्यवहारिक पदार्थ भी आ जाएगा, चाहे कार्य हो चाहे कारण हो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब हो जाएगा, इस प्रकार चित्त में भी समझना है, जिस प्रकाश से हाँ ये वस्तु भास रही है, ठीक है ना, उस प्रकाश से वो भाष्यमान पदार्थ भिन्न नहीं है, अहम घटम जानामि, है ना, अहम घटम जानामि, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तीनों को प्रकाशित कर रहे हो, जिस प्रकाश से प्रकाशित है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, अहम घटम जानामि, घटाकार वृत्ति रूपी ज्ञान, अहम कहने से प्रमाता ज्ञाता और घट हो गया प्रमेय ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ठीक है, ये साक्षी प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए उस साक्षी प्रकाश से तम पद के लक्षार्थ से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भिन्न नहीं है, ये अपवाद होता है, इसी पे अगर सबको लेना है सकल दृश्य को तो प्रारंभ करना है स्थूल से, प्रारंभ तो स्थूल से करेंगे ना, जैसे विद्या प्राप्त करते हो कहाँ से, प्रथम क्लास से, उससे भी पहले होता है क्या, प्रथम क्लास से भी पहले कुछ होता है, होता है, हाँ फास्ट प्राइमरी है कि नहीं, इंग्लिश बोलने से लोगों को जल्दी समझ में आता है, फास्ट प्राइमरी नहीं तो फास्ट प्राइमरी से प्रारंभ करना पड़ेगा, फास्ट प्राइमरी कौन है, स्थूल पदार्थ होता है कि नहीं, तो भोग्य रूप अन्न पाने, देखो भोग्य बोल दिया ना, भोग्य कौन, अन्न पाना दे, यहीं से प्रारंभ किया, ये स्थूल है, अन्न पानादिकम एतत् आयतन भूत, अन्नपानादि ये भी कार्य है, कार्य स्व कारण से भिन्न नहीं है, ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं तत् अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य, कार्य अपने कारण से क्या होता है, अभिन्न होता है, ठीक है, तो इसमें श्रुति प्रमाण भी है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, घट का नाम घट का रूप ये मृत्तिका से भिन्न नहीं है, मृत्तिका भी नाम रूप है वो भी अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसा समझना है
एतद आयतन भूतम, अन्नपान आदि का आयतन कौन? अपना कारण पंचमहाभूत। इसलिए अन्नपान आदि भी पंचमहाभूत से भिन्न नहीं है, समझ में ना। जिस समय थाली में लड्डू आता है तो क्या होना चाहिए बोध? थाली में लड्डू आता है, लड्डू अपने उपादान से पंचमहाभूत से भिन्न नहीं है, ऐसा होता है? थाली में जो लड्डू आता है तो ऐसा भान होता है क्या? गरम गरम जलेबी आती है तो भान होता है कि जलेबी अपने पंचमहाभूत से भिन्न नहीं है? हाँ, यदि नहीं हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो अभ्यास अभी ज्ञान का नहीं है। क्यों? इसलिए वेदांत सार पढ़ कर क्या अभ्यास होना चाहिए कि लड्डू अपने पंचमहाभूत से भिन्न नहीं है, जिलेपी अपने उपादान पंचमहाभूत से भिन्न नहीं है, ये बोध होना चाहिए कि नहीं? यदि नहीं हो रहा है तो ज्ञान का अभ्यास है कि नहीं है? नहीं है, मानना पड़ेगा। हाँ, ये होता है, यही मनन है। पहले तो आपने श्रवण कर लिया यहाँ पर, तो मनन कहाँ पर करना है? भंडारे में तो जरूर करना और क्या, नहीं तो सुनते रहेंगे कुछ नहीं होगा। अभ्यास के बिना नहीं होता है, अभ्यास के बिना नहीं तो फिर पढ़ने में पढ़ाने में ही रह जाएंगे बस, उससे आगे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? पढ़ाएंगे तो दोनों में ही प्राय करके लोग सीमित रहे, आगे नहीं बढ़ पाते। आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानी, ये चार चतुर्दश भुवन को ले लो भाई, ये है ना। और एतत आयतन भूतम, चतुर्दश भुवन का भी आयतन मतलब कारण है ना, वो कौन है? ब्रह्मांड, सारा समष्टि ब्रह्मांड हो गया है ना। और ब्रह्मांड का भी उपादान कौन? पंचीकृत पंचमहाभूत, उससे भी ये भुवन भिन्न नहीं है, ब्रह्मांड। एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपम् पंचीकृत भूतमात्रम् भवति, ये मात्र एव अर्थ में होता है, पंचीकृत भूतम एव, पंचीकृत पंचमहाभूति है। अच्छा, केवल स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर को भी लेना है। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम् एतेषां कारण रूप अपंचकृत भूतमात्रम् भवति। देखो, शब्दादि विषय हो गया, शब्दादि विषय के साथ जिसको अब गुण बोलते हैं ना नैया के लोग, ये शब्दादि क्या है? गुण, गुण, गुण कहाँ रहता है? गुणी में रहेगा, द्रव्य में रहेगा। पंचीकृत तो पंचमाद हो गया द्रव्य, चाहे गुण हो चाहे गुण का आश्रय द्रव्य हो, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर जातम, सूक्ष्म शरीर होता है, इसका भी कारण, इसका भी कारण, चाहे पंचकृत पंचमहाभूत का कार्य हो चाहे सूक्ष्म शरीर रूपी कार्य हो, सबका उपादान कौन? अपंचीकृत पंचमहाभूत, समझ में ना। अपंचीकृत भूतमात्रम भवति, कहाँ तक पहुंच गए भाई? अपंचीकृत पंचमहाभूत तक पहुंच गए, ये भी कार्य होता है। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचकृतानि, देखो सत्वादि गुण रहते हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूत भी सत्वादि गुण रहेगा। जैसे अंतकरण सत्य गुण का कार्य तो है, लेकिन उसमें रजगुण तमगुण भी रहेगा, नहीं तो फिर मन चंचल क्यों होता? केवल सत्य गुण का ही कार्य हो मन, तो सबका मन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा फिर, है कि नहीं? बस ज्ञान ही होता जाएगा, एक बार सुन लिया तो फिर जो है ज्ञान हो जाना चाहिए, है कि नहीं?
हमेशा मन हल्का ही होगा। फिर सत्तम लघु कहते कि नहीं, सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम, सांख्य में कहा है ना, सत्य गुण का कार्य क्या है, लघु हल्कापन हो जाना, सबका मन क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन होता है नहीं होता है, ये रजोगुण भी है ना, जड़ता आ जाती है तो तमोगुण ही मानना पड़ेगा। इसलिए बता दिया सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, अपंचीकृत पंच महाभूत, उसके बाद कितानि उत्पत्ति वित्क्रमेण, जिस क्रम से उत्पत्ति हुई ना उसका जो अपवाद है उल्टे होगा, विपरीत होगा, ठीक है, विपरीत होगा ना। जैसे अपंचीकृत पंच महाभूत से पंचकृत पदार्थ उत्पन्न है, उसका लय कहाँ पर, पंचकृत पंच महाभूत का लय अपने उपान जहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है, एक क्रम होता है। क्यों, कार्य का लय कारण में देखा जाता है, जैसे घट का लय मृत्तिका में होता है, इस जगह पंचीकृत पंच महाभूत का लय भी अपंचीकृत पंच महाभूत में होना करना है ना। तो कैसे करो, केवल विचार से ही करना और कुछ नहीं, है ना। लय मतलब तोड़ देना, यहाँ पर लय नहीं, इसको अपवाद नहीं कहा जाता है। फिर क्या है, कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं है, मिथ्या है कि नहीं, कार्य में मिथ्यात्व का बुद्धि, यही कार्य का अपवाद है। यदि इसको कहा जाएगा, कार्य का नाश को ही यदि अपवाद बात कहोगे, तब तो जीवन मुक्ति का अपलाभ हो जाएगा, फिर जीवन मुक्ति ही कोई नहीं होगा। अरे शरीर रहते हुए, शरीर का व्यवहार करते हुए जो असंग रूप से रहे, तो उसको क्या कहा जाएगा, जीवन मुक्त कहा जाएगा। ज्ञान हो गया, कुछ रहा है नहीं, जैसे रोग है, मान लो किसी को रोग हो गया है ना, और जाकर गंगा जी में कूद गया, तो रोग से मुक्त हो गया। शरीर रहते हुए औषधि आदि पथ्य आदि पालन करते, यदि रोग को हटाएगा तब से रोग की मूर्ति, रोग से जो है निवृत्ति कही जाएगी, स्वस्थता कही जाएगी, है कि नहीं। इसी प्रकार से यही अपवाद होता है, रोग से मरेगा तो जो है रोग से मुक्ति का कहोगे उसको, आए हाँ तभी मुक्त हो, तभी मुक्त हो, जीवन मुक्ति के लिए वो है मुक्त ही हो, सबसे मुक्त हो गया, केवल रोग से क्यों है। वो महारोग से मुक्त हो गया, महारोग क्या है, अविद्या। वो तो अविद्या से मुक्त हो गया, है ना। तो ये तो कह रहा हूँ, सब कुछ करते हुए जो असंग रूप से रहे, हैं व्यवहार करते हुए भी असंग रूप से रहे, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी ना रहे, फिर लोगों की दृष्टि से करता हुआ दिखे लेकिन स्वरूप से जो ना करता हो, ऐसी अनुभूति जिसको हो, है ना, उसको कहा जाएगा जीवन मुक्त। जीवन मतलब जीते जी मुक्त, जीवन का ना सत्यंत जीते जी मुक्त है। आए ब्रह्म, अरे हो गया अधिकारी क्या। जीवन मुक्त शब्द का ध्यान दो ना, जीते जी मुक्त, सब कुछ करते हैं भी वो मुक्त, उसको कहते हैं जीवन मुक्त, ऐसा होता है, ठीक है। आज ब्रह्मलिंग जब कहते हो, ये जो शरीर जो है ना, शरीर जब अपने उपादान में लीन हो जाता है तब उसको जो है ब्रह्मलिंग कहा जाता है, ऐसा विधि मुक्त जिसको बोलते हो ना। चलो उसके बाद ये तत्कारणाभूत अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम भवती, ये देखो कह दिया, ये तत्कारणाभूत, ये प्रपंच का जो कारण है, परिणामी उपादान हो गया अज्ञान, है कि नहीं,
उससे उपहित चेतन हो गया ईश्वर, यही तो कारण है। ईश्वर हो गया विवर्त उपादान, और निमित्त कारण भी है, कहते हैं ना निमित्त कारण भी है और विवर्त उपादान भी है, ठीक है। तो विवर्त उपादान है ईश्वर चेतन, और उसकी जो उपाधि है अज्ञान, हो गया परिणामी उपादान, ठीक है। ये दोनों का अधिष्ठान तो है शुद्ध चेतन, बस। ये आगे कह रहा है, देखो ये प्रपंच, प्रपंच कारण से भिन्न नहीं है, किससे भिन्न नहीं है, अज्ञान से नहीं, और अज्ञान उपहित चैतन्य से भिन्न नहीं। कहाँ तक पहुँच गए, कारण तक पहुँच गए, ईश्वर तक पहुँच गए, ठीक है। लेकिन ईश्वर तक पहुँच गए, वो तो ईश्वर तो विशिष्ट है, ईश्वर तो विशिष्ट, ईश्वर तो है कारण हो गया, माया विशिष्ट जो चेतन हो गया कारण। कारण तब कहा जाएगा यदि हमारे दृष्टि से जगत यदि कार्य हो तो भेद हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ पर कार्यकारण भाव होता है, ठीक है, जहाँ पर धर्मधर्मी भाव होता है, वहाँ पर थोड़ा सा भेद तो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, इसलिए द्वैत हो गया। इसलिए द्वैत ज्ञान से तो मुक्ति नहीं होती है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, फिर किससे होती है, अद्वैत ज्ञान से होती है। आगे कह रहा है ये अज्ञान, अज्ञान उपहित जो चेतन है कारण, अपने अधिष्ठान शुद्ध चेतन से भिन्न नहीं है। ये यहाँ पर आगे कह रहा है, एतद् अज्ञान उपहितम चैतन्यम ईश्वरादिकम एतत् आधारभूत अनुपीत चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्ममात्रम भवति। ये देखो अज्ञान, अज्ञान से उपहित चेतन, इसको कहते हैं ईश्वर, आदि से ले लीजिए अव्याकृत माया, माया, ठीक है, ये सब इसका जो आधारभूत है, आधार से यहाँ पर लेना अधिष्ठान, अज्ञान, अज्ञान उपहित चेतन ईश्वर विशिष्ट, उसका जो आधार है अधिष्ठान, उसमें कोई उपाधि नहीं है, ईश्वर में उपाधि माया है, उसका अधिष्ठान जो है चेतन, उसमें कोई उपाधि नहीं है, उसको बोलते हैं अनुपहितम, न उपहितम इति अनुपहित, उपहित बोलते हैं उपाधि से युक्त को, उसको उपहित कहा जाएगा, और जो उपाधि से युक्त नहीं है, है ना, उसको कहा जाएगा अनुपहित चैतन्यम, अनुपहित चैतन्य रूपम, उसको बोलते हैं तुरीयम, उसको तुरीय, तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ, चतुर्थम मन्यन्ते, कहा कि नहीं, चतुर्थ और तुरीय शब्द पर्याय है, चतुर शब्द से छ प्रत्यय होता है, चतुर्नाम पूर्णम, लिखो जिसको लिखना है, चतुर्नाम पूर्णम इति चतुर्थम, ये चतुर्थ शब्द का अर्थ है, चतुर्नाम पूर्णम इति चतुर्थम करो अथवा तुरीयम करो, दो शब्द लिखो। चतुर्नाम पूर्णम इति चतुर्थम और आगे तुरीयम, ये पर्याय है, चतुरश्चयता वाद्यक्षर लोपश्च, उससे होता है चतुरश्चयता वाद्यक्षर लोपश्च, एक वार्तिक होता है, लिखो वार्तिक, चतुरश्चयता, क्षयता वाद्यक्षर लोपश्च, वाद्यक्षर लोपश्च, चतुरस क्षयता वाद्यक्षर, वाद्यक्षर लोपश्च, इस वार्तिक से छ प्रत्यय होता है, चतुर शब्द से छ, पूरा छ, छ, ठीक है ना, और चतुर शब्द का जो आदि अक्षर है च, च, च का लोप कर लो भाई, चतुर आगे छ, च का लोप कर दिया तो कितना रहा, तुर आगे छ, ठीक है,
और छ के छकार को इय आदेश होता है, छ के छकार को इय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तुरीय। ठीक है शर्मा जी, समझ में आ गया, इस वार्तिक से होता है। तो किस अर्थ में छ प्रत्यय होता है, पूरण अर्थ में, पूर्ति पूर्ति, जिससे चौथी संख्या की पूर्ति हो, मतलब चौथा बोलते हैं ना हिंदी में, चौथा चौथा, ये व्यक्ति चौथा है, मतलब ये तीन हो गए और ये चौथा, तो तीन कौन कौन हो गए, विश्व तेजस और प्राज्ञ बेष्टि में हो गए, और समष्टि में विराट सूत्रात्मा और कौन कौन ईश्वर। ठीक है ना, स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी हो गया कौन, विराट, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ अथवा प्राण, इसे पर जाए। ठीक है, और समष्टि जो अज्ञान उपचेतन कौन, ईश्वर हो गए। ठीक है, और व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं है, हो गए कि नहीं, हाँ ऐसा है, इसलिए समष्टि को लेंगे तो क्या होगा, विराट सूत्रात्मा और ईश्वर, तीन हो गए ना, इस तीन की अपेक्षा से चौथा कौन हो गया, तुरीय चेतन, अनुपहित चेतन, उपाधि से रहित जो चेतन है वो हो गया चौथा। अब उसमें जो चौथी जो संख्या आ रही है वो भी माया को लेकर है, इसलिए मांडवी में कहना माया संख्या तुरीयम, उस अनुपहित चेतन में संख्या कहाँ से आएगी, यदि संख्या मानोगे तब भी फिर भेद आ गया, गुण गुणी आ गया कि नहीं, वो गुण हो गया संख्या, आज संख्या का आश्रय क्या बोलेंगे, गुणी, जहाँ पर गुण गुणी भाव रहेंगे रहेगा तो क्या रहेगा, भेद आ जाएगा, है कि नहीं, स्वगत भेद आ जाएगा। इसलिए सब माया को लेकर होता है। चलो अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम, और उसी वही है ब्रह्मा, तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति, इसलिए ये इसी प्रकार से अपवाद होता है। ठीक है, स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म, सूक्ष्म से फिर कारण, कारण कहने से कौन, माया, माया विशिष्ट चेतन, ये भी अपने अधिष्ठान तुरीय चैतन्य से भिन्न है ही नहीं। ठीक, ये हो गया अपवाद। और उसका भी आधार तुरीय चेतन का, तब तो अनवस्था हो जाएगा, तब तो फिर अनवस्था हो जाएगा, वो है पराकाष्ठा, ये पुरुषाधना परम किंचित साकाष्ठा स परागति, कठोपनिषद में कहा गया, जो तुरीय चेतन है वही सबका अधिष्ठान है, उसका कोई और अधिष्ठान नहीं है। आगे यहाँ तक पहुँच गए अपवाद को, तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, तुरीय चेतन है उससे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, ऐसे ज्ञान को कहा जाएगा परोक्ष ज्ञान, समझ में ना। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, परोक्ष ज्ञानम एव तत्, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और अहम ब्रह्म इति चेत वेद साक्षात्कार से उच्यते, इसको कहते हैं साक्षात्कार। दो प्रकार ज्ञान हुआ, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को यहाँ पर बताया, सारा प्रपंच तुरीय चेतन से भिन्न नहीं है, इसलिए तुरीय चेतन निर्विशेष है ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा है ना, ये भी विचार से होता है, परोक्ष ज्ञान भी विचार के बिना नहीं होगा पंचदशी करने का। और शब्द केवल शब्द शब्दार्थ का जो ज्ञान है वो नहीं, वो तो केवल उसको परोक्ष ज्ञान भी नहीं कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र में आप लोग सुनेंगे आवृत्तिर असकृत उपदेशात, परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान से भी भिन्न होता है,
ठीक है ना, विचार के बिना परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता है। और वही जो तुरीय ब्रह्म है वो मेरा स्वरूप है, संशय विपर्य रहित ज्ञान, उसको कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कह लो अथवा साक्षात्कारात्मक ज्ञान भी कह लो। तो ऐसा जो संशय विपर्य रहित साक्षात्कारात्मक ज्ञान, ये महावाक्य का विचार से होता है। परोक्ष ज्ञान वेदांत के अवांतर वाक्य से होता है, वही विचार से, अवांतर वाक्य का विचार से परोक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब अवांतर वाक्य होता है। ठीक है, अवांतर वाक्य का विचार करने पर परोक्ष ज्ञान होता है, और महावाक्य का विचार करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है ना। तो महावाक्य ही है, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य है, चार महावाक्य है हमारे यहाँ तो लिखा है कि नहीं, चारों महावाक्य, ये जो महावाक्य होता है। तो महावाक्य में जो है एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। जैसे तत् और त्वम का, ये तत्पद का जो पहले वाच्यार्थ होता है ना, तो अविधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ को बोलते हैं वाच्यार्थ, इसको कहेंगे वाच्यार्थ अथवा शक्यार्थ। वाच्यार्थ कहो शक्यार्थ कहो ये सब पर्याय होता है। जैसे गंगायाम घोष कह दिया, गंगा शब्द का वाच्यार्थ क्या है, प्रवाह, जो प्रवाह चल रहा है जल का उसको गंगा बोलते हैं। और लक्षार्थ हो जाता है वो जो उसका जो सामिप्य जिसमें है ना, इसलिए सामिप्य लक्षण। गंगा तीर हो गया, प्रवाह का समीप हो गया कौन, गंगा तीर, गंगा तीर में लक्षणा होती है, ये लक्षणावृत्ति से। तो लक्षणावृत्ति से जो अर्थ का बोध होता है उसको बोलते हैं लक्षार्थ, उसको कहा जाएगा लक्षार्थ। पहले वाचार्थ का ज्ञान होता है, तत्पूर्वक लक्षार्थ का ज्ञान है ना। जैसे प्रवाह का ज्ञान पहले हुआ और फिर उसके बाद गंगा तीर लक्षार्थ का ज्ञान होता है, समझ में ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी तत्पद के वाचार्थ तम पद के वाचार्थ का ज्ञान पहले कराया जाता है, फिर एकत्व की उपपत्ति न होने पर, तात्पर्य की उपपत्ति न होने पर फिर लक्षणा करते हो हैं। इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति ही लक्षणा बीजम, तात्पर्य उपपत्ति न होने पर लक्षणा करते हो, ये यहाँ पर प्रसंग आ रहा है। देखो आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम, पहले कह दिया अध्यारोप, उसके बाद कह दिया अपवाद। अध्यारोपवाद के द्वारा बताने की जो प्रक्रिया है, अद्वैत परब्रह्म का ज्ञान कराने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रणाली पद्धति, उसको बोलते हैं न्याय। इस न्याय के द्वारा तत्तम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। ये देखो पहले शोधन करना पड़ता है, पहले वाचार्थ का ज्ञान तो है ही, वाचार्थ का ज्ञान कराया, तम पद का वाचार्थ हो गया अंतकरण विशिष्ट चेतन अथवा अज्ञान विशिष्ट चेतन, ये हो गया तम पदार्थ। और वाचार्थ हो गया ईश्वर, जिसने जगत को बनाया, माया विशिष्ट चेतन, वो हो गया वाचार्थ। ठीक है, तो तम पद का वाचार्थ जीव और तत्पद का वाचार्थ हो गया ईश्वर। ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, अरे जीव क्या है, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, सुखी दुखी है ना, तो रोने वाला है धोने वाला है, ये जीव हो गया। और ईश्वर रोना धोना होता है क्या उससे तो दोनों में एकत्व कैसे होगा भाई, जो सर्वज्ञ है वो अल्पज्ञ कैसे होगा, अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ कैसे होगा, इस बार शक्ति भी ले लो
इसलिए दोनों में एकत्व संभव नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो महापुरुष जैसा बोल रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा, शास्त्र जैसा कह रहा है ऐसा चलना होगा, कि है कि नहीं। तो महापुरुष लोग कहते हैं पहले शोधन कर लो कि मैं कौन हूँ, ये पता लगाओ पहले। अनादिकाल से अपने को जो मान करके बैठे हो, मैं विशिष्ट हूँ, है ना, शरीर आदि के साथ संबंध करके बैठे हो, तो विचार कर लो आप विशिष्ट हो कि सामान्य हो, हाँ। तो ये जो इसको कहते हैं शोधन, इसको कहा जाता है शोधन, कि मैं के स्वरूप का निश्चय करना, ये शोधन कहा जाएगा। दोनों का शोधन करना पड़ता है, एक तत्पदार्थ का शोधन और एक त्वम पदार्थ का शोधन। शोधनम अपि सिद्धम भवति, शोधन जब नहीं होगा तो लक्षार्थ का निरूपण नहीं होगा, समझ में ना। और लक्षार्थ का जब निरूपण नहीं होगा तो दोनों में एकत्व का बोध नहीं होता है। ये कैसे शोधन करना है? तथा इसे कह रहे हैं, देखो, अज्ञानादि समष्टि एतद् उपहितम् सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् चैतन्यम् एतद्। ये देखो पहले वाचार्थ हुआ, अज्ञानादि समष्टि है ये सब, उससे जो उपहित चेतन होता है ये उपाधि हो गई, उपाधि से जो विशिष्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, ईश्वर कहते हो, वो तत्पद का वाचार्थ होगा। और उसकी जो उपाधि विलक्षण है, दीप की उपाधि से ईश्वर की उपाधि विलक्षण है, तो विलक्षण से कार्य भी विलक्षण हो जाएगा, है ना। जैसे विद्युत शक्ति तो एक ही है, और दो ठो बल्ब लगा दिया, ये 1000 पावर का लगा दिया बहुत बड़ा बल्ब, और छोटा सा लट्टू लगा दिया दोनों में जो शक्ति दौड़ रही है, विद्युत शक्ति, वो तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर किस में होता है? उसके कार्य में अंतर हो जाता है। 1000 बल्ब लगा दिया तो बहुत प्रकाश होता है, है ना, तो कार्य अधिक होता है। और लट्टू लगा दिया तो क्या करो उससे, उसे पढ़ोगे एकदम छोटा सा है, जैसे जुगनू होता है, जुगनू की तरह, है ना, तो उसमें कार्य तो अलग होता है। ठीक इसी पर अगर यहाँ पर भी ले लो, ईश्वर की जो उपाधि है वो शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति कहते हैं ना, शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति, है ना, जिस प्रकृति में सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रभावित न हो, न दबे, उसको कही जाएगी सत्वगुण की शुद्धि, रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रभावित न होना सत्वगुण का, इसको कही जाएगी सत्वगुण की क्या, शुद्धि। ऐसे शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है ना, शुद्ध सत्व प्रधानम यस्मिन यस्याम, सा प्रकृति शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति, ऐसी उपाधि होगी ईश्वर की। ऐसी उपाधि से युक्त होने के कारण ईश्वर में विलक्षण कार्य हो गया, विलक्षण धर्म हो गया। क्या विलक्षण धर्म? सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, जगत कारणत्व, फलदातृत्व, अंतर्जामित्व, ये सब आ गया धर्म। उसे विशिष्ट जो चेतन है उसको बोलते हैं तत्पद का वाचार्थ। इतना निरूपण हुआ, उसके ऊपर शोधन किया जाएगा, इसको हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरा सूत्र भगवंत पुनः पुनः ईश्वर मूर्ति व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त
ओम शांति 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 ओम।